इसराइल की गजा से बमबारी जारी बुखते वेठल फलस्तीनियन से धमाकेदार मादे की बरसात इमारतों अस्पतालों मिट्टी जो ढेर बणजी व्यू वालारियल ओलह पट्टी में इसराइली फौज के छापे दौरान टे जणा शहीद पनहकीर कैंप में वेढ़ जारी घुर्जल 24 कलाक में 96 फलस्तीनी शहीद 172 जख्मी गजा की सेहत वाली वजारत मूजिब 7 अक्टूबर का हेल ताईं 29,878 फलस्तीनी शहीद 70,215 जख्मी थी चुका है। अमेरिकी सदर जो बाइडन हमास और इसराइल विच में सूमर ताई जंग बंदी की उम्मीद जाहिर करे छी है। हमास के सीनियर अगवान बासम नईम जो चवना है अना ताई बासाबता जंग बंदी की तजवीज न मिली है। मुहिदे लाइ गजा में इसराइली फौज की निकारी इंसानी इमदाद और फलस्तीनियन की आजादी चाहूं था। हमास के गडल कौमन मिस्र कतर तुर्की अमरीका और रूस जड़े के मुल्क क्या जमानत घुर्जे तो जी इसराइल मुहिदे से बरकरार रहे। पाकिस्तान सूदो सारी दुनिया में इजहार की आजादी जो हक रिसण चाहूं था। अमरीकी परदेही खाते के तर्जमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग संदस चवण है अमरीका चाहे तो पाकिस्तानी अवाम पांजी हुकूमत और मुस्तकबिल जो फैसलो कर सके। पीटीआई पानी जै इल्जाम हथ ठोकिया कूड़ा हैं और इतने भी रुगो सच गलाए सकूं तो सोरहन कलाकन की बरसात बलूचिस्तान के शहर गवादर के बोड़े छोड़ो रिवासी लड़पलाण करण से मजबूर तेज और मुसलसल बरसात सबब केतरा ही घर डही पट पी वा चेयरमैन यूसी सरबंदन जो चवण है तेज हवाओं सबब बेड़ू पान में टकराई टुटी पन पीडीएमए एनडीएमए के अगते अचण की अपील कई वही। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पारा गवादर में बरसात पैदा थियल सूरत हाल से गणती जो इजहार संदस चवण हो तो बरसात सबब गवादर में हंगामी सूरत हाल पैदा थी चुकी है। बरसात सबब रिवासी लड़पलाण से मजबूर थी वह इंतजामिया गवादर वासन की मदद करे। एस्टेब्लिशमेंट चाहे थी तो असेंबलियों और मानू उन मर्जी मूजिब हुजन पर ये मुल्क न हलंदो। ईंदड़ डी में सिस्टम अंदर वेठल मानू रोवंदा असा सिस्टम का बाहर आयूं पर मुल्क अंदर वेठल आयूं जेयूआई सरबराह मौलाना फजल रहमान जी पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस संदस चवण हो तो इलेक्शन में कामयाब उ जिनका चांसिस न हुआ चाहूं था तो मुल्क में समूरा मामला बेहतर तरीके से हलन। सदर आरिफ अलवी कौमी असेंबली जो इजलास न घुराए आइन की भनकड़ी कई सदर से बेतमादी वक्त असेंबली तोड़ण आइन मूजिब कौमी असेंबली जो इजलास न घुराने जो केस दाखिल घुर्जे उम्मीद है तो स्पीकर इजलास घुराए आइनी जिम्मेवारी पूरी कंदो। आसिफ अली जरदारी मुल्क जो सदर चूंड जी वो पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो सुप्रीम कोर्ट बाहरा मीडिया से गालू चाहे असा फैसलो कर हो तो जो वोट घुरण इंदो उनके वोट दींदी सुनी इतिहास काउंसिल वारन वोट लाए राबतो ही न कयो अज ताईं कें भी अदालती मुआवन शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के दुरुस्त करार ना ही दिनों। अदालत में वकील सबूतन जा ढिग पेश कया तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेगुनाह हो साबित थी चुको है तो भुट्टो की फाही अदालती कत्ल हो उम्मीद है तो शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में असा के इंसाफ मिलो। निगरान वज़ीर आज़म कौमी असेंबली जो इजलास घुराने लाए सदर के बीहर एडवाइस मोकले छी सोरहें कौमी असेंबली जो इफ्तदाई सेशन घुराने में सदर ममलकत के एतराज़न से निगरान वज़ीर आज़म सदर के बीहर एडवाइस मोकलने से गड कौमी असेंबली सेक्रेटरीट के इजलास तलब करने जो इख्तियार दई छो। एडवाइस में वो है तो आइन तहत चूंडन के 21 दिन अंदर इजलास तलब कर आइनी डेडलाइन है। सदर आइन में ॾेखारियल डेडलाइन मूजिब कौमी असेंबली जो इजलास घुराए।
आईन में किथे ना है लिखल ऐवान नामुकम्मल हुए तो इजलास नो घुरा सके। हुकूमत जो सदर के चवा निगरान वफाकी हुकूमत कौमी असेंबली के इब्तदाई इजलास बाबत असेंबली के सदर के इतराजन से जवाब दे छो। आर्टिकल 91 में किथे भी ना लिखल सदर सिर्फ आर्टिकल 54 तहत मामूल के इजलास के रोके सके तो। आई इलेक्शन कमीशन जो 1 मार्च से सदारती इलेक्शन शेड्यूल जारी करण जो ऐलान। असेंबली की 1 सीट इलेक्शन का 21 दिन में होण जरूरी है। पधरनामे मूजिब 29 फेबरवरी से समूरू असेंबलू वजूद में अची वेंदियूं। 29 फेबरवरी से सदर जो चूंड लाइ घुर्बल इलेक्ट्रोल कॉलेज की तकमील थी वेंदी।